फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फरियाली कुकीज़। नवरात्रों के दिन है तो फरियाली कुकीज़ के लिए आज आपको चाहिए 110 ग्राम घी, जो कि मैंने मेल्ट करके और दोबारा उसे फ्रीज़ किया है ताकि उसमें कोई लम्स और कुछ ना रहे। हमने लिया 110 ग्राम घी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 80 ग्राम पाउडर शुगर। आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो नॉर्मल शुगर को पाउडर करके यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें विस्क करना है फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ये हमारा करने का पर्पस होता है, इसे क्रीमिंग करना मेथड बोलते हैं, इसे क्रीमिंग मेथड बोलते हैं। इससे ये फ्लफी हो जाता है और बिल्कुल वाइट हो जाता है। अब आफ्टर 2 to 2 मिनट्स हमारा ये काफ़ी क्रीमी हो गया है। अब इसमें डालेंगे अपना फरियाली आटा, जिसमें मैंने हाफ 125 ग्राम हमें फरियाली आटा लेना है, जिसमें आप हाफ सिंघाड़े का और हाफ बघार का आटा, जो सामक का आटा भी कहलाता है, वो ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो चुलाई का आटा भी ले सकते हैं, कुट्टू का आटा मिक्स करते हैं। इन चारों आटों में से आप कोई भी ले सकते हैं। प्रपोर्शन हाफ एंड हाफ रखना है आपको। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको आपको विस्कर से मिक्स नहीं करना, हाथ से मिक्स करना है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/8 टीस्पून हमारा बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/8 टीस्पून। मैं विकफील्ड का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसको आप हल्के हल्के हाथ से हम मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, जो मैं अभी डाल रही हूँ। ये मेरा बुश ब्रांड का वनीला एसेंस है, जो मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। अब इस आटे को आप, क्योंकि अब ये बहुत पतला है, आप ये इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ओनली। अब ये देख लीजिए, अब मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए आप एक चम्मच का यूज़ कर लीजिए ताकि आपका बिल्कुल एक जैसे बॉल्स बने। उनको आप प्लेस कर दीजिए। इन पे आप 2-3 चॉकलेट चिप्स हैं तो वो लगा दीजिए, अदरवाइज आप कंपाउंड चॉकलेट को ग्रेट करके भी लगा सकते हैं। इनको थोड़े 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 दूरी पे फैलाइएगा, क्योंकि ये फैलेंगे, इनमें घी फैट है तो ये फैलेंगे। अभी कुकीज मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर बिछा रखा है ताकि कुकीज स्टिक्स ना हो। आप इन्हें ऐसे रोल करके दबा दीजिए और इन पे चोको चिप्स या जो भी आपके पास अवेलेबल है, चॉकलेट अगर नहीं भी लगाना चाहते आप छोड़ सकते हैं इन्हें। मीनवाइल मैंने 10 मिनट्स के लिए अपना OTG प्री हीट करने के लिए रख दिया है, मिडल 180 डिग्री बोथ रोड्स ऑन। इट्स बोस्ट मोड कहलाता है जब हम दोनों रोड्स ऑन करते हैं। अगर आपके पास OTG नहीं है, आपको माइक्रोवेव में करना है, तो आपको उसके कनेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे करना होगा 10 मिनट्स के लिए प्री हीट। ऐसे हम अपनी सारी कुकीज बना लेंगे। और इसको हम बेक करेंगे 15 to 17 मिनट्स ओनली। बहुत ज़्यादा नहीं बेक करना है, वरना बर्न्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे आपके कुकीज। इससे मेरी अप्रॉक्सीमेट 10 कुकीज बनी है। बाकी आपके साइज पे है कि आप कितना करते हैं। अभी मैं रखने जा रही हूँ मिडल रैक पे 180 डिग्री बोथ रोड ऑन।